Hello and welcome to today's session on the topic substance and shadow. तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है. तो कोई अगर आदमी खड़ा है तो मिट्टी में उसका शैडो बनेगा, अगर धूप में खड़ा है तो वो उसका शैडो बनेगा. ये दो जो टर्म है, सब्सटेंस और जो शैडो, ये जो दो टर्म है इसका मीनिंग तो हम लोग जानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल सेंस में सब्सटेंस एंड शैडो इसका क्या मीनिंग है, ये आज को हम लोग देखेंगे. तो देखिए, इस दुनिया में सब कोई टाइम के साथ वो उसका जो ब्यूटी है वो खो जाता है. टाइम के साथ वो जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है. कोई बहुत खूबसूरत लड़की है, टाइम के साथ उसकी जो खूबसूरती है वो चला जाती है जब वो बूढ़ी हो जाती है. तो इस दुनिया में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है. हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और हर चीज का एक एंडिंग पॉइंट होता है. तो लॉर्ड कृष्णा भगवद गीता में अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में एक बात बताया टाइम के बारे में. ही टोल्ड Among subduers, I am time. समय सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है, सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर काल या फिर समय. ये सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देता है, सब कुछ को खत्म कर देता है. सोचिए, मुगल लोग 800 साल तक राज किया, ब्रिटिशर लोग 200 साल तक राज किया. तो एक तो समय था जहां पर लग रहा था कि खत्म नहीं होने वाला ये लोग का राजत्व, ये लोग का शासन. तो खत्म तो हुआ ना अल्टीमेटली. तो समय सब कुछ को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. तो हम लोग अगर इस दुनिया का चीजें को देखते हैं, इफ यू सी द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, देन We will see that everything is temporary. एक starting point है, एक ending point है. Even the universe, उसका भी एक starting point है, ending point है. Vedic science भी बोल रहा है और modern science भी बोल रहा है. ये sun, ये moon, ये planets एक time पे destroy हो जाएगा. Modern science is also accepting this fact. तो इस दुनिया में सब कुछ temporary है. तो अभी हम लोग पहले सेशन में देखे थे, सुने थे कि आत्मा जो है, हम लोग का जो रियल आइडेंटिटी है कि हम लोग आत्मा है. तो आत्मा परमानेंट है, तो आत्मा परमानेंट है. ये दुनिया टेम्पोररी है, ये दुनिया का सब चीज टेम्पोररी है. तो अभी मेरा प्रश्न है कि क्या आत्मा इस दुनिया का चीज हो सकता है? कैन द स्पिरिट सोल, द सोल, द आत्मा बिलोंग टू दिस मेटीरियल वर्ल्ड? सो दैट्स माई क्वेश्चन. तो कैसे हो पाएगा? सोचिए, आत्मा तो परमानेंट है, इस दुनिया का वस्तु कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरा दुनिया तो टेम्पररी है. The material world, this world is called as material world. It is made up of different matter. This is temporary. Everything has starting time and everything has ending time. Nothing is permanent in this world. Everything is changing. But the Atma is not changing. Atma is as it is. Atma is permanent. The soul is permanent. So, kaise Atma is duniya ka ho sakta? How can the spirit soul
बी और बिलोंग टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड, इस दुनिया का कैसे हो सकता, संभव नहीं था। तब तो आत्मा टेम्पोररी हो जाएगा ना, उसका तो नेचर ही चेंज हो जाएगा। तो आत्मा है परमानेंट, मेटेरियल वर्ल्ड है टेम्पोररी। द आत्मा एक्चुअली डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, ये आत्मा इस दुनिया का चीज नहीं है, इस दुनिया का नहीं है आत्मा। आत्मा बिलोंग करता है, आत्मा एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, आध्यात्मिक जगत का है, जो जगत परमानेंट है। ये जो जगत, दिस वर्ल्ड और दिस यूनिवर्स और दिस प्लेस वेयर वी आर रिसाइडिंग, इट इज कॉल्ड एज मेटेरियल वर्ल्ड। ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आत्मा का एक्चुअल घर है, आत्मा जहां से बिलोंग करता है, मतलब कि जहां का है आत्मा, वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। वो मेटेरियल वर्ल्ड इस जगत से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड परमानेंट है, वो टेम्पोररी नहीं है इस दुनिया का तरह। तो वो एक्चुअल घर है आत्मा का, रियल होम ऑफ द सोल। तो आत्मा तो उस जगत को छोड़ के मेटेरियल वर्ल्ड में आ गया है। तो इस मेटेरियल वर्ल्ड में जब आ गया है आत्मा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत को छोड़ के, तो वो सोचने लगता है कि वो इस शरीर है, वो ये शरीर है, ये सोचने लगता है। एंड आत्मा फॉरगेट्स दैट ही इज स्पिरिट सोल। तो हम लोग तो यही सोचते हैं ना, यही सोचते थे पहले। अभी तो सुनने को आया कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, तब जाके थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। पहले तो नहीं जानते थे, पहले क्या सोचते थे हम लोग, जब तक ये भगवत गीता का नॉलेज नहीं था, तब तक हम लोग क्या सोचते थे कि हम लोग ये शरीर है। तो आत्मा ये मिस आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, आत्मा सोच लेता है कि वो शरीर है, आत्मा भूल जाता है कि वो आत्मा है। ये मिस आइडेंटिफिकेशन आ जाता है इस दुनिया में। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आत्मा है, तो वो मिस आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये मेटेरियल वर्ल्ड में जब वो आ जाता है, तब वो मिस आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अब क्यों आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मेटेरियल वर्ल्ड आया, ये इसके बारे में थोड़ा देर बाद में हम लोग देखेंगे। सो द पॉइंट इज दैट आत्मा फॉरगेट्स हिज रियल आइडेंटिटी इन दिस वर्ल्ड। नाउ द सोल व्हेन इट इज इन द मेटेरियल वर्ल्ड, देन इट गेट्स अट्रैक्टेड टू द ग्लिटरिंग इल्यूशन ऑफ डिफरेंट फॉल्स ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड। इसका मतलब है कि आत्मा जब ये मेटेरियल वर्ल्ड में है, तो बहुत सारा जो ग्लिटरिंग चीज है, जो हम लोग को अट्रैक्ट करता है, उसके प्रति आत्मा आकर्षित हो जाता है। तो आत्मा ये नहीं समझ पाता है कि उसका जो रियल आइडेंटिटी, वो भूल जाता है और वो सोचता है कि इस दुनिया का जो चीजें है, विशेष करके जो चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एक्सटर्नली, तो उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है, उसके प्रति उसके पीछे भागने लगता है और सोचता है कि यही मेटेरियल वर्ल्ड का ये सब जो फॉल्स ब्यूटी और जो ग्लिटरिंग चीजें हैं, वो सब पाके ही वो खुश हो जाएगा। तो ऐसा वो सोचता है। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो दिस इज द सिटी ऑफ सिंगापुर। तो कोई सोचेगा कि अच्छा, अगर मैं सिंगापुर में रह पाता कितना अच्छा होता। तो एक्सटर्नली वेरी ग्लिटरिंग एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड टू द एक्सटर्नल ग्लिटरिंग थिंग्स। नाउ अभी जो लोग सिंगापुर में रह रहा है, तो उसमें वो लोग बहुत सारा समस्याएं फेस कर रहे हैं। तो सिंगापुर में इतना प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है
बहुत ज्यादा कम है, तो बच्चा उधर पर पैदा नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है सिंगापुर में। और वहाँ पे डायबिटीज डायबिटीज बहुत ज्यादा है सिंगापुर में, और बच्चा को बड़ा करना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अभी हम लोग एक्सटर्नली चीजों को देखते हैं, लेकिन इंटरनली जब मेटेरियल चीजों को जो बाहर से अट्रैक्टिव लगता है उसको जब कोई एक्सपीरियंस करता है, तब कोई असली आनंद उसमें नहीं मिलता है। सो सेम इज द केस, सिमिलर इज द केस विद दिस सिटी द कंट्री। सो यू फील दैट इट इज सो नाइस एक्सटर्नली, तो वहाँ पे ऐसा इनफर्टिलिटी रेट है कि जो कंपनीज है उधर पे सब बूढ़े लोग बैठे हैं, जवान लोग पैदा ही नहीं, मतलब है ही नहीं ऑलमोस्ट, ऐसा है। क्योंकि इनफर्टिलिटी रेट बहुत ही ज्यादा है, बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। सो एक्सटर्नली इट मे लुक ग्लिटरिंग, जैसे जापान में जो बुलेट ट्रेन का शहर है, तो टेक्नोलॉजिकली जापान सबसे ज्यादा एडवांस्ड देश है पूरा दुनिया में। तो इतना एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद, इवन आफ्टर दैट मच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जापान में सुइसाइड रेट बहुत ज्यादा है। लोग बुलेट ट्रेन में जाके तो काम कर रहा है, लेकिन इतना लंबा लंबा वर्किंग आवर्स, उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट भी, और इसके चलते कोई वो अपना आनंद के लिए, अपना अपना खुशहाली के लिए कोई टाइम नहीं दे पाता है, और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस देश में, और सुइसाइड रेट बहुत ही ज्यादा है। तो एक्सटर्नली हम लोग देखते हैं कि इट द थिंग्स में लुक वेरी ग्लिटरिंग, बट एक्चुअली इन रियलिटी इफ यू गो इनसाइड एंड इफ यू एक्सपीरियंस, देन द थिंग्स आर नॉट दैट एक्साइटिंग एट ऑल, एंड द थिंग्स डोंट गिव अस द रियल सेटिस्फैक्शन दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। तो वो जो आनंद हम लोग सोच रहे हैं कि मेटेरियल वर्ल्ड का चीजों में, जो ग्लिटरिंग चीजों में मिल जाएगा, तो वो एक्चुअली मिलता नहीं है। तो एक बार एक गांव में एक सर्कस आया था, तो वो सर्कस वाला, उसका जो नाम था सर्कस का, वो था 1 पैसे का सर्कस। तो ये 1 पैसे का सर्कस मतलब कि 1 पैसा दे के सर्कस देखने को मिलेगा, ये था। तो बहुत गांव में एकदम उस 1 पैसे का सर्कस का पॉपुलैरिटी हो गया, तो सब लोग बहुत वेट कर रहा था कि 1 पैसे का सर्कस वो देखेगा। तो जिस दिन शुरू हुआ 1 पैसे का सर्कस, तो उस दिन बहुत बड़ा लाइन लग गया गांव में, और गांव में सब लोग बहुत मतलब आतुर था कब शुरू होगा सर्कस। तो लाइन तो 5 किलोमीटर लंबा हो गया, अभी शुरू होगा 1 पैसे का सर्कस। तो पहला आदमी को घुसाया सर्कस में, तो वो आदमी जब घुसा भीतर में, तब वो देखा कि दो आदमी बैठा हुआ है, काला काला दो आदमी बैठा हुआ है लाठी लेके, और उसको बहुत पीटा, और जब पिटाई खाया, उसके बाद कुछ देर बाद निकाल दिया उसको। तब जब एक एक करके घुसा रहा है, 1 पैसे का सर्कस देखने का नियम है कि एक एक करके घुसना पड़ेगा, जब पहला आदमी भीतर में मार खा के निकला, तो सब जब लाइन में बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो वो लोग पूछ रहा था उसको कि कैसा लगा तुमको 1 पैसे का सर्कस, सब बहुत एक्साइटमेंट था। तो वो सोचा कि अच्छा, मैं तो भीतर में मार खा के आया, तो ये लोग को अगर सच्चाई बोल दूंगा तो क्या होगा, तो ये लोग तो मार नहीं खाएगा, है कि नहीं। तो वो बोला कि बहुत अच्छा लगा, इट्स एक्साइटिंग, वेरी नाइस। तो सेकेंड आदमी घुसा, और जब सेकेंड आदमी घुसा, फिर वैसा ही केस हुआ, दो को लाठी लेके जो काला आदमी बैठा था, दो को बहुत मार मारा उसको, और मारने के बाद कुछ देर फैन का हवा खिलाया और फिर बाहर निकाल दिया। तो ये फिर निकल गया। अब इसको अभी समझ में आया कि क्यों पहला आदमी
हाँ वो सच्चाई नहीं बोला था, तो ये भी सोचा कि हम क्यों सच्चाई बोले, ये लोग को सबको मार खाने दो। तो इस तरीके से एक पैसा का सर्कस हुआ गांव में। तो इस मेटेरियल वर्ल्ड, ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, ये भी एक पैसे का सर्कस की तरह है। लोग दूसरे का जो भलाई है वो देख नहीं पाता है। लोग सोचता है कि हम जो कष्ट पाए हैं वो दूसरे भी सेम कष्ट पाए। सो पीपुल आर नॉट हैप्पी इन अदर्स हैप्पीनेस, देर इज एनवी इन दिस वर्ल्ड। ईर्ष्या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इस मेटेरियल वर्ल्ड में, इस दुनिया में। तो सभी अपना अपना सब स्वार्थ सोचता है, दूसरों का एक्चुअल बेनिफिट के लिए क्या होगा वो कोई बताना नहीं चाहता है। हम लोग भी ये चीज, ये भी एक्सपीरियंस किया जाता है कि कोई कॉलेज स्टूडेंट है, व्हाट विल रियली बेनिफिट हिम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कॉलेज में क्या उसको एक्चुअली हेल्प करेगा। सीनियर लोग तो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, दारू पियो, गांजा पियो, हाँ उसके बाद ये सिगरेट पियो, ये सब करो। लेकिन एक्चुअली जो उसको मदद करेगा, जो चीज एक्चुअली जो इसको हेल्प करेगा, वो रियल बेनिफिट का चीज सीनियर लोग नहीं बताता है। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में भी लोग अपना स्वार्थ के लिए बहुत वो लोग बहुत ज्यादा मतलब अपना स्वार्थ का सोचता है, लेकिन दूसरे का भलाई के लिए कोई सोचता नहीं है। दूसरों का एक्चुअल बेनिफिट के लिए कोई सोचता नहीं है। एक्सटर्नली दिखाता तो है कि बेनिफिट कर रहा हो, लेकिन भीतर में एक्चुअल रीजन जो रहता है अपना स्वार्थ, यही रहता है। सो दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, एवरीवन इज थिंकिंग दैट हाउ विल आई बी हैप्पी, एंड उसके लिए दूसरे को कष्ट भी देना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज द वे दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज। तो इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो गाड़ी है, ये जो कार है, तो इसका ऊपर एक पेंटिंग आधा अधूरा लगा हुआ है। पेंटिंग जो पेंटिंग है वो कंप्लीट नहीं है। सो इफ यू गो टू द शोरूम एंड इफ यू सी सच ए कार, विल यू लाइक टू बाय दिस कार? हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग ऐसा कार चाहेंगे, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जो कि ना पूरा पूरी बढ़िया से पेंटिंग है, सब कुछ परफेक्ट है। भीतर में इस कार का भी सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन पेंटिंग थोड़ा गड़बड़ है, तो इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है ये, इट्स नॉट लुकिंग ब्यूटिफुल। सो इट इज सेड दैट द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज स्किन डीप। तो इसमें जो कार है, ये जो गाड़ी है, इसका भी जो ब्यूटी है, इट इज जस्ट पेंट डीप। पेंटिंग ठीक ठाक से नहीं हुआ है तो बस वो गाड़ी, वो कार अच्छा नहीं दिख रहा है। सिमिलरली चाहे इस दुनिया का कोई मिस यूनिवर्स भी हो, मिस यूनिवर्स का भी, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, कोई भी ले लीजिए आप, उसका अगर स्किन को निकाल दिया जाए, हाइपोथेटिकली सोचिए इसको, तो वो मिस यूनिवर्स क्या, मिस इंडिया क्या, मिस वर्ल्ड अच्छा दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो स्किन डीप ब्यूटी इज स्किन डीप इन दिस वर्ल्ड, इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तो शास्त्र में एक श्लोक है जो हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें ये श्लोक कठ उपनिषद में है। कठ उपनिषद बोल रहा है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सो देर आर इनफाइनाइट लिविंग एंटिटीज, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज आर देयर, बट देर इज ओनली वन लिविंग एंटिटी, गॉड। तो भगवान एक है, भगवान है परम आत्मा, और हम लोग है जीवात्मा।
जीवात्मा असंख्य है, अनलिमिटेड। कोई जीवात्मा ट्री का बॉडी में है, तो कोई जीवात्मा बिल्ली का बॉडी में है, तो कोई जीवात्मा हाथी का बॉडी में है, तो कोई जीवात्मा घोड़ा का बॉडी में है, तो कोई ह्यूमन का बॉडी में है। देर आर एक्चुअली अनलिमिटेड जीवात्मास। और ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, इस मेटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, अनलिमिटेड यूनिवर्स है। अभी मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि यूनिवर्स एक नहीं है, यूनिवर्स बहुत ज्यादा है। और वैदिक साइंस तो पहले से ही ये बताता है कि अनलिमिटेड यूनिवर्स है। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड में जितना भी यूनिवर्स है, हाँ, तो इसमें सब लिविंग एंटिटी से भरा हुआ है, जीवात्मा से भरा हुआ है। तो भगवान एक ही है, कोई जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता है, भगवान एक ही है। जीवात्मा असंख्य है, परम आत्मा या फिर भगवान एक ही है। नो वन कैन बी इक्वल टू गॉड एंड नो वन कैन बी ग्रेटर देन गॉड। ना तो कोई भगवान का इक्वल कर सकता है, बराबरी कर सकता है, ना तो कोई उनसे आगे निकल सकता है, उनसे बड़ा हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। ए लिविंग एंटिटी और जीवात्मा कैन नेवर बी इक्वल टू गॉड। गॉड इज वन, भगवान एक ही है। उनका बहुत सारा स्वरूप है, उनका बहुत सारा अवतार है, लेकिन भगवान एक ही है। तो भगवान कौन है वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, बट द बेसिक थिंग वी विल सी टुडेस डे, टुडेस सेशन, दैट गॉड इज वन एंड इज अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। व्हाट इज इट? तो सोल, जो आत्मा है, तो आत्मा बिलोंग करता है, आत्मा आध्यात्मिक जगत का है। देर आर इन्फाइनेट सोल्स हुआर सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड, हु आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत एक्चुअली है क्या? आध्यात्मिक जगत, इसको अगर संक्षेप में बोला जाए, इसको अगर छोटा तरीके से बताया जाए, तो उसको इंग्लिश में हम लोग अगर बोलेंगे तो वो है किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड। तो भगवान वहां पे मतलब राजा है, सब कोई भगवान का सेवा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब भगवान का सेवा कर रहा है और भगवान सिर्फ सेवा ले रहा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा जगह है जहाँ पे भगवान अपना भक्तों को सेवा करना चाह रहा है और भक्त भगवान का सेवा करना चाह रहा है। तो ऐसा कंपटीशन है, द लिविंग एंटिटीज आर ट्राइंग टू सर्व गॉड एंड गॉड इज ट्राइंग टू सर्व ऑल द लिविंग एंटिटीज। ऐसा है। तो भगवान भी उनका भक्तों का सेवा करना चाहता है। तो भगवान ऐसे नहीं कि सिर्फ सेवा ले रहे हैं, भगवान अपने भक्तों को खुश देखना चाहता है, भगवान अपने भक्तों को सेवा करना चाहता है, भगवान अपना भक्तों का भलाई चाहता है हमेशा, और उनको आनंद देना चाहता है, उनके साथ आदान प्रदान करना चाहता है। सो देयरफॉर दिस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस मेटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है, पूरा पूरे डिफरेंट है इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस मेटेरियल वर्ल्ड में सब कोई अपना अपना स्वार्थ ही देखता है, अपना स्वार्थ के लिए दूसरे को अगर पैर का नीचे कुचलना भी पड़े तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो देर इज डिफरेंस, ग्रेट डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मेटेरियल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भगवत गीता बता रहा है कि बहुत एक अच्छा श्लोक है ये, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो इसका मतलब ये है कि जो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइट देने के लिए कोई सन, सूर्य या चंद्रमा का जरूरत नहीं होता है। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सन और मून टू लाइट अप द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइट और लाइट देने के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइट का सोर्स है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति भगवान का शरीर से जो रेस निकल रहा है, द स्पिरिचुअल रेस दैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड भगवान, तो वो है ब्रह्म ज्योति। तो
तो ब्रह्म ज्योति ही पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइट प्रोवाइड करता है, तो वहां पे कोई सन मून और इलेक्ट्रिसिटी का कोई जरूरत नहीं है। एंड द सेकेंड लाइन इज वेरी सिग्निफिकेंट, दोज हु रीच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं ब्रह्म। मतलब जो एक बार आध्यात्मिक जगत को पहुंच गया तो उसको इस टेम्पोररी मटेरियल वर्ल्ड में आने का कोई जरूरत नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी नीड एंड ही नेवर रिटर्न्स टू दिस टेम्पोररी मटेरियल वर्ल्ड व्हिच इज फिल्ड विद सफरिंग। जिस मटेरियल वर्ल्ड में जो दुखालयम है, दुख का जगह है, कष्ट का जगह है, यहाँ पे लौटने का उसको कोई भी जरूरत नहीं है। एंड नेवर रिटर्न्स। सो ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, ये मेटेरियल वर्ल्ड एक जेल का तरह है। तो ये बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि ये मेटेरियल वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है एक जेल के साथ, लेकिन ये बहुत बड़ा अद्भुत जेल है। इट्स अ वेरी 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 वंडरफुल जेल। तो लोग अगर जेल में जाता है तो उससे कैसे निकलना है वो सोचता है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये मेटेरियल वर्ल्ड ऐसा जेल है जहां पे कोई प्लान नहीं करता है कि कैसे इस जेल से निकला जाए। सो यू आस्क एनीबॉडी, विल यू लाइक टू गो गो आउट ऑफ दिस जेल ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड एंड गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? पूरा शहर को पूछ लीजिए, कोई राजी नहीं होगा। और नहीं, ये मेटेरियल वर्ल्ड में कष्ट में ही मैं सही हूँ, ये बहुत बड़ा अद्भुत जेल है। तो अगर मैं एक मछली को पानी से निकाल के उसको पैसा दे दिया जाए, उसको अच्छा अच्छा खाना दे दिया जाए, सिगरेट बीड़ी दारू सेक्स मैगजीन कितना सब चीज, बर्गर बिरयानी सब कुछ दे दिया गया उसको, एवरीथिंग ही नीड्स, नो नॉट नीड्स बट एवरीथिंग दैट कैन मेक हिम हैप्पी, नो सो कॉल्ड, तो सब कुछ दे दिया गया उसको, तो क्या हैप्पी होगा बोलिए? तो मछली कभी भी हैप्पी नहीं होगा, चाहे कितना भी उसको पैसा दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी आप चीज दे दीजिए, पानी से निकाल के उसको अगर आप हैप्पी रखना चाहते हैं तो हैप्पी नहीं होगा वो, यू विल नेवर बी हैप्पी इन दैट वे। तो पानी में वो लौटेगा तब जाके वो हैप्पी होगा। सिमिलरली आत्मा, इसी तरीके से आत्मा भगवान को भूल के वो कितना भी चीजें इकट्ठा कर ले, वो कितना भी सो कॉल्ड सक्सेस पाए, कितना भी पैसा इनकम कर ले, वो कितना भी बड़ा उसको नौकरी मिल जाए, कितना भी बड़ा उसको फेम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, कितना भी बड़ा उसको पावर मिल जाए, कितना भी बड़ा उसको पोजीशन मिल जाए, कितना भी बड़ा उसको स्टेटस मिल जाए, कितना भी बड़ा उसको रिस्पेक्ट मिल जाए, कितना भी कुछ भी मिल जाए, कितना भी एंजॉय कर ले, वो कभी हैप्पी संभव हो नहीं हो, कभी हैप्पी नहीं होगा वो, ये संभव ही नहीं है। आत्मा भगवान को भूल के इस दुनिया का कुछ भी चीज इकट्ठा कर ले, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी हैप्पी इन दैट वे। सो अंटिल एंड अनलेस, जब तक भगवान से वो कनेक्ट नहीं होगा तब तक आत्मा को आनंद नहीं मिल सकता है, तब तक आत्मा को हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है। वो कितना भी कोशिश कर ले भगवान को भूल के खुश रहने के लिए, आनंद पाने के लिए, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी पैसा इनकम कर ले चाहे, फिर भी वो हैप्पी नहीं होगा। ये एकदम शास्त्र का गारंटी है, और कोई अगर इसको मानना नहीं चाहता है तो वो अपना जीवन में एक्सपीरियंस भी करके देख सकता है, और इतिहास इसका गवाह है। कितने कितने फेमस व्यक्ति, कितना पैसा था, कितना धन दौलत था, कितना इन्फ्लुएंस था, कितना नाम शौहरत था, सुइसाइड किया, इतिहास गवाह है। एक दो नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा है। तो एक छोटे से प्लांट में या पौधे में हम लोग कहाँ पे पानी देते हैं? हम लोग रूट में, मतलब कि जड़ में पानी देते हैं। वी वाटर एट द रूट, वी डोंट वाटर एट द लीव्स। पत्ते में पानी देके कोई फायदा है बोलिए? एक एक पत्ते में अलग अलग से पानी देके कोई फायदा नहीं है। अगर हम लोग प्लांट का रूट में पानी देंगे तो सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रूट से पूरा सब पत्ते में पानी पहुंच जाएगा, अलग से पत्ते में पानी देने का जरूरत नहीं है।
इसी तरीके से हम लोग, अगर हम लोग का जो स्टोमक है, हम लोग जब खाते हैं, खाना कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है। तो स्टोमक में जब खाना जाता है तो ऑटोमेटिकली सारा शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। हाँ, तो अलग से हमको बॉडी पार्ट्स को खाना देने का जरूरत नहीं है, खाना स्टोमक से ही, अगर स्टोमक में देंगे खाना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब बॉडी पार्ट ऑटोमेटिकली नरिशमेंट मिल जाएगा। अलग से हाथ को खाना देने का जरूरत नहीं है, अलग से पैर को खाना देने का जरूरत नहीं है, खाना इंटेक करके स्टोमक में जाए तो वो सब बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन दे देता है। तो इसी तरीके से भगवान, भगवान है सब कुछ का रूट, सब कुछ का सोर्स है भगवान। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, अल्टीमेट कॉज ऑफ एवरीथिंग, सभी कारणों का कारण है भगवान। तो हम लोग अगर भगवान को सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा दुनिया को सेवा करने का बराबर है ये। ऑटोमेटिकली हम लोग पूरा दुनिया को सेवा करने का भाव हम लोग में आएगा, क्योंकि भगवान सभी का पिता है। और हम लोग जब भगवान को सेवा करेंगे, जो सबका पिता है, परम पिता है सबका, तो हम लोग दूसरे को भी हम लोग अपना भाई जैसे देखेंगे और भाई जैसे समझेंगे, क्योंकि सब कोई आत्मा है। चाहे कोई एक शरीर में हो, एक टाइप का शरीर में हो, चाहे कोई आत्मा दूसरा टाइप का शरीर में हो, अल्टीमेटली सब आत्मा तो भगवान का अंश है। एवरी सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, पार्ट ऑफ गॉड, भगवान का अंश है। भगवान सभी आत्माओं का परम पिता है। तो हम लोग अगर जब भगवान के प्रति हम लोगों का सेवा और प्रेम का भावना जागृत करेंगे, तब हम लोग दूसरे सभी जीव आत्माओं के प्रति प्रेम का भावना ऑटोमेटिकली जागृत हो जाएगा। हम लोग का दूसरे का प्रति विद्वेष भावना, हिंसा का भावना, एन्वी या ईर्ष्या का भावना, जलन का भावना कम जाएगा, घट जाएगा, वो पूरा पूरी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये है भगवान को सेवा करने का एडवांटेज, क्योंकि भगवान सब कुछ का रूट है, या फिर कहे तो सब कुछ का सोर्स है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान का सेवा अवश्य करना चाहिए। देर इज ए सेइंग इन इंग्लिश, व्हेन देर इज यूनिवर्सल फादरहुड देन देयर विल बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जब हम लोग भगवान को सेंटर में लाएंगे मनुष्य समाज में, तब हम लोग को असली खुशहाली, शांति और आनंद हम लोग को मिलेगा मनुष्य समाज में। तो एक कहानी बताऊंगा, ये है स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी। तो इस कहानी में, लिक्विड ब्यूटी स्टोरी में, तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, एक गांव में बहुत खूबसूरत एक लड़की थी। तो उस लड़की के प्रति सब कोई उसके ब्यूटी और रूप के प्रति आकर्षित हो जाता था। तो उस गांव का, मतलब उस राज्य का, जो राज्य में वो गांव है, उस राज्य का जो एक मंत्री था, वो मंत्री इस लड़की का रूप के प्रति आकर्षित हो गया बहुत ज्यादा, और सोचा कि इसको शादी करना है बाय फोर्स। तो अब क्या किया, एक दिन मंत्री गया उसका घर में, और उसको बोला कि हम तुमको चाहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा निर्लज था वो मंत्री, तो और कैरेक्टर बहुत ही खराब था। अब पावर है, मंत्री है, तो क्या करे। तो ये जो औरत थी, या फिर ये जो लेडी थी, ये लड़की थी, तो ये लड़की क्या बोली कि ठीक है, आप 5 दिन बाद आइए, आपके साथ मैं चला जाऊंगी, आप 5 दिन मेरे को टाइम दीजिए। तो मंत्री बोला ठीक है, 5 दिन देते हैं टाइम। हाँ,
अभी ये लड़की क्या करेगी, बहुत सोच में पड़ गई। लड़की अपने गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव उसको एक जड़ी बूटी दिए, एक जड़ी बूटी दिया कि बोला जड़ी बूटी खाओ, ये तो तुम जड़ी बूटी खाओगे तो तुम्हारा शरीर बहुत वीक हो जाएगा और शरीर से मल मूत्र निकलेगा, स्टूल विल कम आउट, लिक्विड स्टूल विल कम आउट, हाँ पतला पैखाना बोलता है ना जिसको, हाँ। उसके बाद शरीर से पूंछ या फिर उसको पस, जिसको इंग्लिश में बोलते बोला जाता है पुस, जो व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस होता है ना, वो निकलेगा तुम्हारे शरीर से, उसको तुम एक जगह पे स्टोर करके रखो, एक तो कटोरा में, हाँ एक तो मिट्टी का कटोरा में तुम स्टोर करके रखो, जो जो पतला पैखाना निकलेगा उसको भी स्टोर करके रखो एक मिट्टी का बर्तन में, कटोरा में। उसके बाद ब्लड भी निकलेगा शरीर का डिफरेंट डिफरेंट जगह से, ब्लड भी निकलेगा उसको भी स्टोर करके रखो। बहुत कफ निकलेगा, कफ तो खांसी होता है, कफ निकलेगा, कफ निकलेगा बहुत, उसको भी एगो मिट्टी का बर्तन में स्टोर करके रखो। इस तरीके से पसीना बहुत निकलेगा, उसको भी तुम स्टोर करके रखो। तो इस तरीके से तुम जो जो सब्सटेंस निकलेगा उस सब सब सब्सटेंस को तुम एक एक मिट्टी का कटोरा में स्टोर करके रखना एक घर में, और वो जो मंत्री जब आएगा तो उस मंत्री को उस घर में वो सब सब्सटेंसेस दिखाना तुम। तो लड़की मान गई, जड़ी बूटी खाई और ये सब चीजें की। और 5 दिन बाद जब आया कौन, मंत्री जब आया, तब मंत्री उसको देख के पूरा चौंक गया कि तुम्हारा सौंदर्य कहाँ चला गया, सौंदर्य नहीं है तुम्हारा, क्या हो गया तुमको। बोला मैं तो वही व्यक्ति हूँ, हाँ मैं तो वही औरत हूँ, वही लड़की हूँ जिसको आपने बोले थे 5 दिन पहले आए थे। तो जो मंत्री थी वो समझ नहीं पा रहा है, अरे क्या हो गया तुमको, हाँ तुम्हारा ब्यूटी किधर गया, वेयर इज योर ब्यूटी। तो लड़की बोला उस घर में मेरा ब्यूटी है, देखिए जाके मेरा ब्यूटी उस घर पे रखा हुआ है। तो मंत्री गया उस घर पे और देखा इतना गंदा चीजें, घिनौना चीजें, इतना सो मच डर्टी फिल्दी थिंग्स आर देयर इन द डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स केप्ट इन दैट रूम। तो मंत्री भाग गया, यू जस्ट रैन अवे, यू नो नाउ यू सी व्हाट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी। हम लोग इस दुनिया का एक्सटर्नल ब्यूटी के प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं क्योंकि उसका पैकेजिंग बहुत सुंदर होता है, भीतर का सब्सटेंस ना उतना ही गंदा होता है, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड पैकेजिंग बहुत सुंदर होता है, हाँ लेकिन हम लोग एक्सटर्नल ब्यूटी पे अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, हम लोग आत्मा का ब्यूटी को देख नहीं पाते हैं, हम लोग भगवान का ब्यूटी को देखने का हम लोग का आंख नहीं है या फिर ज्ञान भी नहीं है। तो उसको जागृत करना है कि हम लोग, ताकि आत्मा का जो ब्यूटी है, जो भगवान का ब्यूटी है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ब्यूटी है, जो उसको देख पाए और उसको समझ पाए, वो हम लोग को कोशिश करना चाहिए। कोई अगर मिस इंडिया है, मिस इंडिया प्लेन में जा रही है, तो दूसरा लोग तो उसके साथ फोटो खिंचाने चाहेगा ना, लेकिन मान लीजिए कि मिस इंडिया सडनली मर गया, मर गई प्लेन में ही, एरोप्लेन में ही, तो उसका डेड बॉडी के सामने कोई जाना चाहेगा, कोई जाना नहीं चाहेगा। तो कुछ देर पहले जब तक वो जिंदा थी तब तक उसको उसके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए सब आतुर था, लेकिन अब क्यों नहीं जाना चाहता है पास में, क्योंकि अभी भी तो वही वही ना बॉडी है अभी भी, दैट सेम बॉडी इज देयर ना, सो व्हाई व्हाई द अदर्स आर नॉट गोइंग टू नियर हर हर डेड बॉडी, बिकॉज द आत्मा इज गॉन, आत्मा नहीं है वो, रियल ब्यूटी जो था ना, वो रियल ब्यूटी भी, जो एक्सटर्नल ब्यूटी भी है, वो एक्सटर्नल ब्यूटी का कारण था, वो आत्मा का रियल ब्यूटी वो कारण था, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल गया है इसलिए वो ब्यूटी नहीं है, इसलिए दूसरा लोग उसके आसपास नहीं जाना चाहता है। सो
और एक मैं कहानी बताऊंगा, द लॉस्ट सॉन ऑफ ए मिलियनियर फादर। तो एक बहुत ही अमीर घर का एक बेटा था, एक जमींदार था, बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा धन संपत्ति था। जमींदार पहले का जमाने में होता था, अभी उतना नहीं मिलता है देखने को, लेकिन जमींदार मतलब बहुत पैसा है। तो उसका बेटा गांव में, उसका छोटा सा बेटा, वो उसको बोला, पिताजी को बोला, पिताजी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आपका तरह इतना पैसा कमा के दिखाऊंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पिताजी पूरा शॉक्ड हो गया, पूरा एकदम चौंक गया कि क्या हो गया भाई, तुम क्यों जाना चाहते हो, मेरा सब संपत्ति तुमको मिलेगा, क्यों मेरे को छोड़ के जाना चाहते हो, तुम क्या करोगे, तुमको सब संपत्ति मिलेगा, कोई टेंशन मत लो तुम। लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया, वो उसको बोला कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को आपके जैसा पैसा इनकम करना है, आई हैव टू इनकम दैट मच मनी दैट यू हैव अर्न्ड इन योर लाइफ। अभी वो लड़का बहुत जिद किया, तो वो घर पिताजी क्या करेगा, पिताजी कुछ पैसा देके बोला ठीक है जाओ। तो कुछ दिन शहर में गया, गांव से शहर में गया, कुछ दिन वो पैसा से चला, उसके बाद पैसा खत्म। और वो बहुत कष्ट पा रहा है, बहुत कष्ट पा रहा है, बहुत कष्ट पा रहा है। और एक छोटा सा नौकरी मिला उसको, क्या चीज का नौकरी, न सुअर को खिलाने का नौकरी, पिग फार्म में जॉब मिला एक, तो छोटा मोटा एक, वही कुछ पैसा दे देता था। उसका काम क्या था, सुअर यानी कि पिग को उसको खिलाना, कितना गंदा काम है सोचिए आप। तो अभी पिताजी बहुत परेशान, बहुत चिंतित, बहुत सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्या वो जिद जिद करके चला गया। हाँ, तो पिताजी एक को आदमी को भेज दिया कि तुम ढूंढो उसको, देखो क्या कर रहा है, पीछे पीछे जाओ, उसका ख्याल रखो। तो वो व्यक्ति उस बच्चे के पास गया कि बोलो तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा पिताजी वेट कर रहा है तुम्हारे लिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, गो बैक टू योर फादर, गो बैक, कम बैक, व्हाई। लेकिन उसका ईगो था बहुत, पिताजी बनना है मेरे को, पिताजी का तरह उसका धन संपत्ति बनाना है। तो बहुत उसका ईगो था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू माय फादर, मेरे को इनकम करना ही है कुछ भी हो जाए। हाँ, तो बहुत उसको समझाया, समझाने के बाद वो राजी हुआ कि ठीक है चलिए, बहुत समझाने के बाद राजी हुआ कि चलिए चलते हैं, आओ लौट चले। तो ये जो बच्चा था, हाँ, तो बच्चा को जब लेके गया, वो जो गांव था, जिस गांव का जमींदार था उसका पिताजी, गांव का बॉर्डर में जब पहुंचा, तब उसका जो पिताजी है उस बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया उसको रिसीव करने के लिए, माला पहनाया, बहुत सारा ढाक ढोल बजा के उसको वापस लेके आया घर पे। तो ये जो कहानी है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे ये व्यक्ति कौन है, ये जो बच्चा वो कौन है, वो है आत्मा जो भगवान को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान को छोड़ के आ गया है। भगवान सबका पिता है, परम पिता है भगवान, सुप्रीम लॉर्ड गॉड हिमसेल्फ, तो उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छोड़ के आ गया है। क्यों क्यों आया है मेटेरियल वर्ल्ड में आत्मा, क्यों, क्योंकि उनको भी भगवान बनना था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ कॉम्पीट करना था, भगवान बनना था, भगवान के प्रति ईर्ष्या या फिर जलन हो गया था कि भगवान सब कुछ का सेंटर में है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हमको भी भगवान बनना है। जैसे कि इस लड़का को उसका पिताजी का तरह धन संपत्ति इनकम करना था, पिताजी बनना था एक तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से आत्मा भी जब भगवान बनना चाहता है, भगवान के प्रति ईर्ष्या या फिर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एनवी, ENVY, एनवी, या फिर और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जलन जब हो जाता है भगवान के प्रति कि हमको भी भगवान बनना है, तो भगवान हम लोग को बहुत समझाता है कि मत छोड़ के जाओ, मत जाओ, बहुत समझाता है, बहुत कष्ट होगा मेटेरियल वर्ल्ड में, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम हो, बहुत आनंद में हो, इसको मत छोड़ो, भगवान बनने का कोशिश करके कोई फायदा नहीं है, बहुत समझाया था, लेकिन नहीं, हम लोग को बनना था भगवान, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो भगवान से कॉम्पीट करना मुश्किल है, संभव नहीं है।
वहां पे सब कुछ का सेंटर में है भगवान। हाँ, सब भगवान को सेवा कर रहा है उधर पे। तो इसलिए भगवान एक मौका दिया, ठीक है इतना ही अगर जिद कर रहे हो, इतना ही जिद करना है तो ठीक है, जाओ मेटेरियल वर्ल्ड में, कोशिश करो भगवान बनने का, कोशिश करके देख लो। तो इसलिए मेटेरियल वर्ल्ड में सब लोग बॉस बनना चाहते हैं, सब ऊपर 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 जाना चाहता है। चाहे दूसरे को कुचल के भी क्यों ना हो, इवन इफ वन ट्रैम्पल्स अदर्स अंडर हिज फीट, स्टिल ही वॉन्ट्स टू गो अप 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 एंड अप। अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान बनना। जब भगवान का ईर्ष्या, भगवान के प्रति ईर्ष्या हो जाता है, एक जलन हो के भगवान बनने का इच्छा हो जाता है, तब उस टाइम पे आत्मा आध्यात्मिक जगत में भगवान उसको एक मौका देता है कि ठीक है, इतना ही अगर जिद कर रहे हो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस जिद को फुलफिल करने का तो संभावना नहीं है, तो तुमको मेटेरियल वर्ल्ड तुम जाओ देख लो, कोशिश कर लो। और कोशिश करके जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, समझ जाता है कि पॉसिबल नहीं है भगवान बनना, आत्मा कभी भगवान बनना बन नहीं पाएगा, संभव नहीं है, तब वो भगवान के पास सरेंडर करता है, भगवान के पास समर्पण करता है और भगवान को प्रेम करने का कोशिश करता है वो। तो ये लास्ट स्लाइड, जस्ट लास्ट टू स्लाइड्स आई विल एंड। तो देखिए, एक आम का पेड़ था, उस आम का पेड़ में आम लटका हुआ था, एकदम पका हुआ, एकदम एकदम मीठा वाला पका हुआ एकदम बॉस। और आम का पेड़ जो था ना, दैट मैंगो ट्री वाज ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, इट वाज ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एंड ए बॉय वॉन्टेड टू कैच द मैंगो, वॉन्टेड टू टेक द मैंगो। तो ये लड़का क्या किया कि वो देखा कि वो जो आम का जो पेड़ है उसका रिफ्लेक्शन गिर रहा है कहाँ पे, ये इसमें नदी में, रिवर में रिफ्लेक्शन, आम का पेड़ नदी का किनारे है तो रिफ्लेक्शन गिर रहा है नदी में उसका, और नदी में उस आम का भी रिफ्लेक्शन गिर रहा है। हाँ, तो वो लड़का सोचा कि हम इस नदी में छलांग लगाएंगे तो आम मिल जाएगा, वैसे आम पकड़ लेंगे नदी में ही, उसका रिफ्लेक्शन को पकड़ लेंगे। तो वो छलांग लगाया तो फिर देखा कि नहीं है कुछ, कुछ भी नहीं है, तो पानी में इधर उधर करने लगा। तो इसी तरीके से जो आम रूपी असली आनंद है, असली सेटिस्फेक्शन जो है, वो हम लोग इस मेटेरियल वर्ल्ड में मेटेरियल चीजें को इकट्ठा करके हम लोग पाने का कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट रियल सेटिस्फेक्शन, दिस मैंगो, मैंगो लाइक रियल सेटिस्फेक्शन, कॉम्प्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ द हार्ट वी आर ट्राइंग टू गेट इन द मेटेरियल थिंग्स, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन द मेटेरियल थिंग्स। इट इज अवेलेबल ओनली व्हेन द सोल इज कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉर्ड गॉड। जब तक भगवान के साथ आत्मा कनेक्ट नहीं होगा, इस दुनिया का चीजें को इकट्ठा करके, इस दुनिया का चीजें का प्राप्ति करके, वो असली सेटिस्फेक्शन, कॉम्प्लीट सेटिस्फेक्शन, जो हार्ट का कॉम्प्लीट सेटिस्फेक्शन होता है, उसको चाहे कितना भी कोशिश करे पाने के लिए, वो कभी नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा, क्योंकि वो असंभव है। जब तक वो भगवान से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक उसको असली आनंद पाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। टेम्पोररी क्षणिक सुख मिल सकता है, फ्लिकरिंग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सुख मिल सकता है, लेकिन वो भी जब चला जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, वो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं देता मेटेरियल चीजें। सो मेटेरियल चीजें का जरूरत है, लेकिन हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेटेरियल सक्सेस यही हम लोग को एक्चुअल हार्ट का सेटिस्फेक्शन देगा, ये हम लोग को कभी नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और हम लोग को ये जानना चाहिए कि हम लोग जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम लोग भगवान से जुड़ना मतलब भगवान को जब तक हम लोग प्रेम करने का कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कितना भी कोशिश कर ले आनंद पाने का,
वो कभी भी संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये शास्त्र बोल रहा है, और अगर हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सुन के सीखेंगे तो वो टाइम को सेव करेगा और अपॉर्चुनिटी को वो बचाएगा। तो भगवान से जुड़ने का जो सबसे आसान तरीका है वो है भगवान का नाम लेना, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और प्रतिदिन हम लोगों को ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। तो आप लोग जैसे अभी शुरुआत में है, यू आर इन द बिगिनिंग स्टेज, एवरी डे यू शुड चैंट एटलीस्ट 2 राउंड्स। 2 राउंड्स मीन्स 2 × 108 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग में भगवान से जुड़ने का सबसे सिंपल और सरल तरीका है, और भगवान को प्रेम करने का भी ये सबसे सिंपल और सरल तरीका है। और हर एक राउंड शुरू करने का पहले जो पंच तत्व मंत्र है, 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र करने के पहले एक बार जो हम लोग पंच तत्व मंत्र बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, इसको अवश्य इसको एक बार बोल के चैंट करके उच्चारण करके फिर हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार बोलना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। और फिर से नेक्स्ट राउंड यानी कि नेक्स्ट माला शुरू करने का पहले भी हम लोगों को ये पंचतत्व मंत्र बोलना चाहिए। तो हम एक कविता से खत्म करेंगे। मेटेरियल बॉडी इज टेम्पोररी, स्पिरिट सोल इज परमानेंट। हम लोग जानते हैं मेटेरियल बॉडी टेम्पोररी है, स्पिरिट सोल आत्मा है परमानेंट। मेटेरियल बॉडी इज फिल्ड विद स्टूल एंड वॉमिट, ये मेटेरियल जो बॉडी है गंदे सब्सटेंस से भरा हुआ है, सो इट इज नॉट रियल ब्यूटी। स्पिरिट सोल इज सच्चिदानंद, सत चित एंड आनंद। जो आत्मा है उसका नेचर है सत, मतलब कि एटर्नल हमेशा रहता है, चित मतलब नॉलेजेबल इसमें चेतना है, और आनंद आत्मा हमेशा आनंद चाहता है, कभी भी दुख नहीं चाहता है। मेटेरियल बॉडी इज स्किन डीप ब्यूटी इल्यूशरी ब्यूटी, सोल एंड गॉड हैव ट्रू ब्यूटी। आत्मा और भगवान में, भगवान जो संपूर्ण रूप में आध्यात्मिक है स्पिरिचुअल है, तो उनके साथ जब हम लोग कनेक्ट होंगे तभी जाके हम लोग एक्चुअल सेटिस्फेक्शन को फील करेंगे, समझेंगे और उसको रियलाइज करेंगे। तो हम लोग को इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र का डेली सुबह में चैंटिंग करना चाहिए, और इसी तरीके से हम लोग अपना जो हार्ट का जो मैल है, गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये जो 6 अनर्था है या फिर जो 6 वायरस है, अनर्था मतलब कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका जिसका हम लोग का नुकसान करेगा, जिसका कोई फायदा नहीं करेगा, वो 6 वायरस को अगर अपना माइंड से अपना हार्ट से हटाना है, अपना अंदर का सिस्टम से अगर हटाना है, तो अवश्य अवश्य ये भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही पे मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हरे कृष्णा।